से ही कह रहे थे कि आपको 2 BHK का इंडिपेंडेंट फ्लैट चाहिए जिसमें हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट हो, तो 60 गज का ये 2 BHK फ्लैट अभी हम लोग देखेंगे जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। जिस फ्लैट में अभी हम खड़े हैं इसकी 60 गज की आपको रजिस्ट्री मिल जाती है, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट बनाया गया है। अगर एक फ्लैट आप खरीदते हैं तो पूरा का पूरा फ्लोर आपका हो जाता है। इसमें हम लोग कार पार्किंग भी दे रहे हैं और फ्लैट के अंदर जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मिलती है, चाहे वो पानी की बात हो या बिजली की बात हो या गैस कनेक्शन की बात हो। और एक चीज और भी बता दूं, फ्लैट हम जब लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास में भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, मेट्रो स्टेशन हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। तो अगर अभी तक आप ये सोच रहे थे कि आपको एक सस्ता 2 BHK फ्लैट चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, तो इस फ्लैट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 4 फ्लैट हैं। तो चलिए बाहर चल लेते हैं और देख लेते हैं आसपास का जो व्यू है वो। आइए, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये पूरा आपको पार्किंग का एरिया मिलता है। हम लोग ने हाफ वॉल टाइल्स यहाँ पे यूज किया है। ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे आप अपना पानी का जो मोटर है वो लगा सकते हैं, और साथ में जिस रोड से आप अपने घर में आएंगे वो रोड देखिए, इतनी चौड़ी और साफ सुथरी आपको मिल जाती है। और साथ में बिल्डिंग का जो फ्रंट व्यू है, जो एलिवेशन है, वो आपको इस तरह से मिलता है। अब चलिए देख लेते हैं पूरे फ्लैट का टूर, और सबसे पहले मैं आपको लेआउट समझाता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या मिलता है। जैसे आप एंट्री लेते हैं तो इस तरफ ये पूरा जो आपको ड्राइंग रूम है वो मिल जाता है। यहाँ आपको फर्स्ट बेडरूम मिल रहा है, यहाँ हम लोग ने वॉश बेसिन लगाया है, इसके साथ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, और यहाँ मॉड्यूलर किचन मिलता है। और जब हम आगे चलेंगे तो ये आपको मिल जाता है सेकेंड बेडरूम, मास्टर बेडरूम आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको बैल्कनी मिल रही है, साथ में अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। चलिए सबसे पहले ड्राइंग रूम का स्पेस देख लेते हैं, फ्लोरिंग में दिखाता हूँ, उससे आपको स्पेस भी दिख जाएगा। इस तरह का ये पूरा हम लोग ने यहाँ पे फ्लोरिंग दिया है, बड़े साइज की टाइल्स लगाई गई है, 2x4 की टाइल्स है, डिजिटल टाइल्स है, वेरीफाइड टाइल्स है। और यहाँ इस पूरी दीवार में हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन 3D लुक का वॉलपेपर दिया है जो अभी आप देख रहे हैं। एसी की वायरिंग आपको अलग से ना करवाने पड़े, उसके लिए हम लोग ने एसी की वायरिंग भी दी है, और यहाँ कॉल बेल भी हम लोग लगा के दे रहे हैं। ये इंटरकॉम लगाया गया है, इसका फायदा ये होता है कि आपको पार्किंग में जाके जो पार्किंग का दरवाजा है ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप आवाज भी सुन सकते हैं। यहाँ बटन प्रेस करेंगे तो पार्किंग का दरवाजा अपने आप ओपन हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ जब आप कैसे कैसे सोफा लगाएंगे वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे खड़ा हूँ तो पहले टीवी पैनल देख लेते हैं। देखिए इस तरह का बड़ा सा आपको टीवी पैनल मिलता है, 3 यहाँ पे ड्रॉर्स बनाए गए हैं, और ये सारे स्लॉट्स बनाए गए हैं जिसमें आप कुछ सजाने का सामान रख सकते हैं। हम लोग ने फोकस लाइट भी यहाँ पे दिया है, थोड़ा पीछे जाइए इनके तरफ। देखिए जितना बड़ा इसमें आपको स्पेस दिख रहा है, सोफा 3 सीटर ऐसे आ जाएगा, 1 सीटर यहाँ पे आएगा, और 1 सीटर जो एक्स्ट्रा आपको लगाना है उसके लिए यहाँ पे जगह दिया गया है। 5 सीटर इसमें सोफा लगाया जा सकता है, और बीच में आपका टी कॉफी टेबल वो आ जाएगा। अब फॉल सीलिंग की बात कर लेते हैं, इस तरह से फॉल सीलिंग की आपको डिजाइन मिलती है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है आपके इस ड्राइंग रूम को। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ जो कॉमन वॉशरूम मिलता है वो। अब पूरा फ्लोरिंग दिखाइए, पूरा स्पेस इनफैक्ट दिखाइए। हम लोग ने रूफ तक इसमें टाइल्स लगाया है, और नीचे जो फ्लोरिंग आपको मिलती है वो एंटी स्किड टाइल्स की मिलती है, इससे आपका पैर नहीं फिसलेगा। वॉल माउंटेड सीट है, और जितनी भी सेंट्री फिटिंग है वो हम लोग करके दे रहे हैं। थोड़ा पीछे जाइए, मैं वॉश बेसिन भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ हम लोग ने वैनिटी के साथ वॉश बेसिन लगाया है। इसका फायदा ये होगा जब आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में करेंगे तो हैंड वॉश के लिए ये बड़ा आसान रहेगा। इसके नीचे आपको इस तरह के स्पेस भी मिल जाते हैं, आप कुछ सामान भी इसमें रख सकते हैं, और वॉशरूम से जब आप बाहर आएंगे तब भी आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब जो फर्स्ट बेडरूम है वो देख लेते हैं, एक बड़ा पूरा स्पेस दिखाइए। इसमें जो हम लोग ने टाइल्स यूज किया है वो डिजिटल तो है ही, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो अलग रखा गया है। देखिए इस तरह का आपको पूरा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल सस्ते प्राइस में ये इंडिपेंडेंट फ्लैट हम लोग दे रहे हैं। यहाँ वॉलपेपर यूज किया गया है दीवार पे, और इसी के ठीक ऊपर आप सीलिंग की डिजाइन देख लीजिए जिसमें कॉपलाइट एलईडी लाइट्स यूज की हुई है, और वायरिंग इसमें भी हम लोग स्प्लिट एसी की करके दे रहे हैं, यहाँ आप अपना स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी हम लोग ने दिया है जो यहाँ है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में सच में अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हैं तो एम सानवी रियल एस्टेट, जो हमारा चैनल है, जो हमारा कंपनी है, उसे
आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, विजिट करने आइए हमारे पास। आप जो चाहते हैं, जिस बजट पे चाहते हैं, आपको हमारे यहाँ फ्लैट मिल जाएगा, वो भी लोन पे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी जो रजिस्टर्ड होगी, तो देर बिल्कुल मत कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं किचन की। हम किचन में खड़े हैं, आप किचन का स्पेस पूरा देख पा रहे होंगे इस तरह का। ये बड़ा सा आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है। फ्रिज की हम बात करेंगे, कहाँ पर रखेंगे। देखिए ये जो स्पेस निकाला गया है, यहाँ आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। और इस तरफ पूरा ओपन किचन हम लोग ने बनाया है। क्लोज करिए, यहाँ आपको इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक चिमनी मिल जाता है। ये आप इसे टच करके फैन चला सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। इस तरह का ये पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चिमनी हम लोग ने दिया है। और साथ में यहाँ देखिए, ये जो काउंटर है उस पर हम लोग ने ग्रेनाइट यूज़ किया है। कुछ कटिंग चॉपिंग भी करेंगे तो स्क्रैच नहीं आएगा। साथ में इस तरह के आपको यहाँ बास्केट मिल जाते हैं। कटलेरी के लिए अलग से दिया गया है, बड़े कंटेनर के लिए भी आपको यहाँ अलग से जगह मिल जाता है। ऐसे बड़े सारे स्पेस आपको इस किचन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भी देखिए इस तरह का डीप स्टोरेज, अंदर भी माइका और बाहर भी माइका हम लोग ने यूज़ किया है। तो इस खूबसूरत से 2BHK फ्लैट का जो प्राइस है वो एकदम आपके बजट में है। आप इस पे 90% तक लोन ले सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं जो अपना मास्टर बेडरूम है वो। इस तरफ आइए आप, मैं पूरा दिखाता हूँ। इसमें वार्डरोब भी मिलता है। फ्लोरिंग दिखाइए, देखिए इस तरह की ये पूरी इसमें अलग डिजाइन की फ्लोरिंग हम लोग ने दी है। बड़े साइज का टाइल्स यूज किया गया है। और साथ में जो वार्डरोब आपको मिलता है वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इस तरह का फुल लेंथ में, थोड़ा क्लोज करिए, इस तरह का ये जो पूरा स्पेस है वो आपको मिल जाता है। अंदर में ड्रॉर्स भी आपको मिलते हैं। और मैं दूसरी तरफ भी आपको स्पेस दिखाता हूँ। यहाँ भी देखिए ये भी सारे स्लॉट्स यहाँ हम लोग ने बना के दिया है। ऊपर भी आपको स्पेस मिल रहा है। अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम लोग ने अगेन वॉलपेपर दिया है। आप चाहें तो वॉलपेपर हम बदल भी देंगे, क्योंकि जब हम लोग ने सैंपल फ्लैट बनाया था तो ये हम लोग ने वॉलपेपर यहाँ यूज़ किया हुआ था। वेंटिलेशन के लिए दिखाऊं, ये आपको विंडो मिल जाती है और इसी के साथ बैल्कनी मिलती है। उसके पहले मैं आपको इसके साथ जो वॉशरूम है वो दिखाना चाहता हूँ। इसमें हम लोग ने सीट लगाया है, जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो सब हम लोग इसमें करके दे रहे हैं। फॉसलिंग की डिज़ाइन भी आपको मिल जाती है इस बेडरूम में, जो यहाँ है इस तरह से। अब आ जाइए बैल्कनी में चलते हैं। यहाँ देखिए इस तरह की आपको बैल्कनी मिलती है, जिसमें 304 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हम लोग ने लगाई है। आप यहाँ अपना वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, क्योंकि टैप भी हम लोग ने दे दिया है। तो इस तरह से हमने 2BHK का जो 60 गज में बना हुआ है, 60 गज की जिसकी रजिस्ट्री है, बैल्कनी इंक्लूड करेंगे तो 65 गज आपको यूजेबल एरिया मिल जाता है। लिमिटेड फ्लैट है, पूरे बिल्डिंग में सिर्फ 4 फ्लैट है। मोहन गार्डन, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली इसकी लोकेशन है। तो अगर आपको फ्लैट ठीक लगा है तो देरी बिल्कुल मत कीजिएगा, आइए इस फ्लैट को बुक करवाइए। और कुछ और भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से बात कीजिए। इस ये जैसा फ्लैट आपने देखा 2BHK का, और भी हमारे पास फ्लैट्स हैं। तो अगर आपको दिल्ली जैसे शहर में सस्ते प्राइस में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको चाहिए तो आप हमारे पास आइए। आपके जो सपनों का घर है वो हमारे इसी चैनल पे पूरा हो जाएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।